नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019 से 20 के लिए TDC छूट के नियमों में कर रिटर्न यानी कि ITR फॉर्म में कौन सा नया नियम लागू किया है? ऑप्शन ए आधार कार्ड संलग्न करने का, ऑप्शन बी हाउस टैक्स बिल संलग्न करने का, ऑप्शन सी पारिवारिक व्यक्ति के प्रमुख का चित्र लगाने का और ऑप्शन डी किराएदारों के पैन कार्ड ब्यौरा देने का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किराएदारों के पैन कार्ड का ब्यौरा देने का। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR फॉर्म में कुछ नए बदलाव किए हैं जिसके तहत TDC छूट के लिए जो व्यक्ति ITR 2 भरते हैं और रिहायशी संपत्ति से आय प्राप्त करते हैं तो उन्हें किराएदार का ब्यौरा उसका पैन या टैन के बारे में भी जानकारी देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा 8 के हिंदी भाषा की पुस्तक में किस पूर्व प्रधानमंत्री की कविता को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए स्वर्गीय राजीव गांधी, ऑप्शन बी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, नए शैक्षणिक स्तर 2019 से 20 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी के वसंत नामक पुस्तक में पेज नंबर 34 से लेकर 36 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा पढ़ने को मिलेगी। ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक श्रेष्ठ राजनीतिक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी जीरो वेस्ट नवरात्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करना, ऑप्शन बी नवरात्र के दौरान सिर्फ सात्विक भोजन बेचना, ऑप्शन सी नवरात्र के दौरान पशुओं को ना मारना और ऑप्शन डी नवरात्र में भंडारों के दौरान मंदिरों की सफाई रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नवरात्र में भंडारों के दौरान मंदिरों की सफाई रखना। दोस्तों, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार जीरो वेस्ट नवरात्र के तहत 50 या इससे अधिक लोगों के लिए भंडारा लगाने पर नगर निगम से इजाजत लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही भंडारा लगाने वाले व्यक्ति या संस्था को भंडारे के स्थान के 100 मीटर के दायरे में सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं रखने की स्थिति में संबंधित संस्था या विभाग का चालान निगम की ओर से काटा जाएगा। जीरो वेस्ट नवरात्र के तहत नवरात्र में सड़कों और मंदिरों के आसपास भंडारा लगाने से होने वाली अस्वच्छता और गंदगी को रोकने हेतु यह कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की सिविल सेवा 2018 की परीक्षा में टॉप करने वाले पुरुष और महिला वर्ग में कौन कौन है? ऑप्शन ए कनिष्क कटारिया व सौम्य शर्मा, ऑप्शन बी कनिष्क कटारिया व सृष्टि जयंत देशमुख, ऑप्शन सी अक्षत जैन व वैशाली सिंह और ऑप्शन डी श्रेयांश कुमार व सृष्टि जयंत देशमुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क कटारिया व सृष्टि जयंत देशमुख। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की सिविल सेवा 2018 की परीक्षा में शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 15 पुरुष व 10 महिलाएं हैं। कुल 759 सफल उम्मीदवारों को IAS, IPS आदि सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। पुरुष वर्ग में टॉपर कनिष्क कटारिया ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में BTech की डिग्री हासिल की है। वहीं सृष्टि जैन देशमुख राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी विलास बैंक का शीघ्र ही किस कंपनी के साथ विलय होने जा रहा है? ऑप्शन ए वीडियोकॉन, ऑप्शन बी J&K बैंक, ऑप्शन सी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और ऑप्शन डी कर्नाटका बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक का विलय मार्ट गेट फाइनेंशियल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय होने की स्वीकृति पर मोहर लग चुकी है। लक्ष्मी विलास बैंक की कुल परिसंपत्ति 40,429 करोड़ रुपए और इंडिया बुल्स की 131,903 करोड़ रुपए है। इस विलय के बाद इंडिया बुल्स को बैंक का दर्जा मिलेगा
और उसके फंड की लागत भी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 6, युवा आलोचकों को प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला देवी शंकर स्मृति सम्मान इस वर्ष किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मृत्युंजय पांडे, ऑप्शन बी अशोक अंजू, ऑप्शन सी अमिताभ राय और ऑप्शन डी रविंद्र त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मृत्युंजय पांडे। दोस्तों, बिहार के युवा लेखक और आलोचक रेणु के भारत के लेखक मृत्युंजय पांडे को इस वर्ष के देवी शंकर स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रति वर्ष आलोचना साहित्य के लिए दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मान की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार द्वारा जारी उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जादवपुर विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी खड़गपुर विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग के अनुसार बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण स्थान चुना गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर JNU दिल्ली, तीसरे स्थान पर BHU वाराणसी, चौथे स्थान पर JNU सेंटर फॉर रिसर्च बेंगलुरु और पांचवें स्थान पर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 27 मई 1990 को स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से महान उद्योगपति जमशेद जी, नूसरवान जी, टाटा की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप हुई थी। मॉरिस ट्रवर्स इसके पहले निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 8, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को US आर्मी कमांड कॉलेज ने कौन सा सम्मान दिया है? ऑप्शन ए बेस्ट आर्मी मैन, ऑप्शन बी हॉल ऑफ फेम, ऑप्शन सी बेस्ट इंटरनेशनल ऑफिसर और ऑप्शन डी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ सेना प्रमुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉल ऑफ फेम। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को अमेरिकी सेना के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज फोर्ट लीवेनवर्थ में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रावत इस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 1997 में इस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज से स्नातक करने वाले 280 अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, बम्बई उच्च न्यायालय ने गर्भपात संबंधी कौन सा नया फैसला दिया है? ऑप्शन ए गर्भपात पर रोक, ऑप्शन बी 3 महीने के गर्भपात पर रोक, ऑप्शन सी 20 महीने से ऊपर के भ्रूण का गर्भपात कराने का और ऑप्शन डी कन्या भ्रूण गर्भपात पर रोक लगाने का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 महीने से ऊपर के भ्रूण का गर्भपात कराने का। गर्भपात संबंधी एक नए फैसले में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ASO का और MS सोनक की पीठ ने कहा है कि अगर किसी महिला के जीवन को खतरा हो तो कोई पंजीकृत डॉक्टर अदालत की अनुमति के बिना भी 20 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ का गर्भपात करा सकता है। हालांकि जब 20 सप्ताह से अधिक का गर्भ हो और महिला को लगता हो कि इसे जारी रखने से उसके या उसके भ्रूण के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय अभिनेत्री को प्रथम बार उसका चौथा वैक्स स्टैचू लगाने का सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी श्रीदेवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, ग्लोबल स्टार भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का मैडम तुसाद सिडनी में वैक्स स्टैचू के अनावरण के बाद उनके कुल मिलाकर 4 वैक्स स्टैचू लगाए गए हैं। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वे दुनिया की प्रथम महिला तथा प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री हैं। मैडम तुसाद म्यूजियम विश्व के 4 शहरों में है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।